पंजाब के राजस्व विभाग में सालों से जड़े जमाए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई पंजाब सरकार की मुहिम का असर अब दिखना शुरू हो गया है। चालू वित्त वर्ष के पहली ही तिमाही में जमीन जायदाद की रजिस्ट्रियों से राज्य सरकार की होने वाली आमदनी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कैसे सीएम भगवंत मान की शुरू की गई मुहिम ने बदल दिए राजस्व विभाग में कमाई के समीकरण, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि, जमीन जायदाद की रजिस्ट्री से भरा पंजाब का खजाना। स्टाम्प रजिस्ट्री रेवेन्यू में रिकॉर्ड 17% का इजाफा। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने एक और उपलब्धि दर्ज की है। जमीन जायदाद की रजिस्ट्री से पंजाब सरकार के राजस्व विभाग को वित्तीय वर्ष 2023-2024 के पहले तीन महीने में 17% से ज्यादा आमदनी हुई है। पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने कहा है कि पंजाब निवासियों को पारदर्शी, साफ सुथरा और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं देना मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार का मुख्य लक्ष्य है और इसी लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाते हुए पंजाब सरकार की आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार का विजन हमारे बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान का एक ही विजन था कि सरकार लोगों के द्वार पे जाए। तो हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इसमें बहुत सारी समस्याएं बड़े लंबे अरसे से पेंडिंग हैं। तो बहुत सारे कानून हैं जो अभी उनको एक तुरंत फैसले नहीं लिए जा सकते, लेकिन सरकार ले रही है। आपको बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भ्रष्टाचारियों पर वार करते हुए राजस्व विभाग में कई बदलाव लागू किए हैं, जिसका असर अब पंजाब के राजस्व विभाग की आय में होने वाली बढ़ोतरी से दिखने लगा है। पंजाब में जमीन जायदाद की रजिस्ट्रियों से सरकार को होने वाली मौजूदा साल की आमदनी को पिछले साल की पहली तिमाही में प्राप्त हुए राजस्व से तुलना करें तो एक तरफ जहां राजस्व विभाग को पिछले साल यानी साल 2022 की पहली तिमाही में 1018.63 करोड़ रुपए बतौर राजस्व प्राप्त हुए थे, तो वहीं चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में यह रकम 1191.20 करोड़ रुपए को छू सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 17% ज्यादा है। जमीन जायदाद की रजिस्ट्री से भरा पंजाब का खजाना, स्टाम्प ड्यूटी रेवेन्यू में रिकॉर्ड 17% का इजाफा। पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ये साफ तौर पर स्वीकार करते हैं कि पंजाब के लोगों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं देने के लिए जिस तरह से सीएम भगवंत मान ने सार्थक प्रयास किए और जिस तरह से राजस्व विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए उन्होंने एक पर एक जरूरी फैसले लिए, उसने लोगों का भरोसा जीतने में बेहद अहम भूमिका निभाई। खासकर राजस्व विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों की शिकायत के लिए जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर आम लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हुआ। पंजाब सरकार के इस कदम से राजस्व विभाग की छवि भी सुधरी और विदेश में रहने वाले एनआरआई का भरोसा भी जीतने में सरकार कामयाब रही, जिसका असर है कि पंजाब में जमीन जायदाद की रजिस्ट्री करने वाले लोगों की तादाद बढ़ी और राजस्व विभाग की आय में पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी करवाया हमारे डिपार्टमेंट से, एनआरआई के लिए लग गया, उनके हमारे लिए पंजाब के लोगों के लिए भी है, पूरे इंडिया के लोगों के लिए भी है। उसमें अगर आप कंप्लेंट अपनी रिटर्न में डालते हैं, वो कॉलिंग नंबर नहीं है, रिटर्न में डालते हैं, तो डिपार्टमेंट 21 दिन के अंदर आपको उसका जवाब देता है कि मैटर कहां रुका हुआ है। आपको बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सिर्फ राजस्व विभाग के कार्य संबंधी शिकायत दर्ज करवाने के लिए भी 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हुए हैं। पंजाब के स्थानीय लोग जहां 8184900002 नंबर पर राजस्व विभाग में कार्य संबंधी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, तो वहीं एनआरआई भी राजस्व विभाग संबंधी अपनी शिकायतें 9464100168 नंबर पर दर्ज करवा सकते हैं। पंजाब सरकार ने यह नंबर लिखित शिकायत के लिए जारी किया हुआ है। पंजाब सरकार का दावा है कि इस नंबर पर दर्ज करवाई गई शिकायत की सुनवाई फौरन की जाती है। इसके साथ ही पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा पंजाब के लोगों से यह अपील भी करते हैं कि राजस्व विभाग से संबंधित किसी भी काम को कराने के लिए अगर कोई अफसर या मुलाजिम रिश्वत की मांग करता है तो नागरिकों को इसकी रिपोर्ट तुरंत करनी चाहिए, क्योंकि पंजाब सरकार का वादा है कि भ्रष्ट अफसरों और मुलाजिमों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, नंबर 1, क्योंकि जब तक लोग, सरकार तो खड़ी है, जब तक लोग आगे आके खुद जाके अपने मैटर को हमारे तक नहीं पहुंचाते, जब वहाँ नहीं उसको, हम तो खड़े हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, 0 tolerance की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। उस अधिकारी को छोड़ा जाता, अभी कहा गया कि अगर कोई मैटर किसी अधिकारी के कारण पेंडिंग पड़ा है तो उस अधिकारी का लिख के दिया जाए कि क्यों उसने इतने में डिले किया,
उसकी क्या मंशा है, किसी को खराब करने की क्या मंशा है। बहरहाल भ्रष्टाचारियों पर चोट के वादे के साथ सत्ता में आई पंजाब सरकार राज्य की तरक्की में कई मील के पत्थर स्थापित कर रही है। राजस्व विभाग की आमदनी में हुई बढ़ोतरी भी एक नजीर है। उम्मीद है कि सफलता के नए मापदंड स्थापित करने के वादे के साथ आगे बढ़ रही सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार आगे भी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। अमित पांडे, न्यूज 24।